मुझे बुलाया शेरावालिये। आज ये दास्ता है भारतीय हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक और भक्ति जगत से जुड़े एक ऐसे भक्त और भजन गायक की, जिसने अपनी भक्ति से माँ वैष्णो देवी के चरणों में पाई वो जगह जिसको आज तक पूरी दुनिया में याद किया जाता है। सुने मन में जल गई बाती। कैसे छोटी सी उम्र में ड्राई क्लीनर की दुकान पर काम करने वाला ये लड़का बन गया भक्ति संगीत का सम्राट, और कैसे उसी भक्ति संगीत ने जहां एक तरफ खोले इस लड़के के लिए भारतीय हिंदी सिनेमा के दरवाजे, तो दूसरी तरफ बंद कर दिए माता वैष्णो देवी के सभी द्वार। चलो बुला। माँ वैष्णो देवी के गीत गा गा कर दुनिया भर में लोकप्रियता और अपार धन दौलत पाने वाले इस परम भक्त ने अपनी आवाज के घमंड में कैसे कर दिया अपमान माँ वैष्णो देवी का, और कैसे माँ वैष्णो देवी ने छीन ली इस गायक की वही आवाज जिसको सुनने के लिए तरस गया ये गायक। क्यों इस गायक के पिता ने इस लड़के को घर से निकाल कर दी इनके किस जुर्म की सजा, और कैसे बंटवारे की आग में उजड़ गई इन 7 भाई और 1 बहन की जिंदगी, कैसे परिवार का सबसे फिसड्डी ये लड़का आगे चल कर के बन गया हिंदुस्तान का मशहूर और धनवान गायक। और क्या आप जानते हैं कि कैसे आगे चलकर इस महान गायक के पुत्र ने लगाए अपने पिता के हत्या के आरोप? क्यों पुलिस ने पिता की मौत के बाद उनके उसी लड़के को डाल दिया जेल में? बताएंगे और भी बहुत कुछ आपको इस महान गायक की जिंदगी और उतार चढ़ाव के बारे में। पूरी सच्चाई जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज इस दुनिया में माता वैष्णो देवी के हजारों लाखों अनगिनत भक्त हैं। आज इन्हीं भक्तों में एक ऐसा भक्त भी है जिसको माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। माता की परम भक्ति और शक्ति के संरक्षण में इस लड़के ने हिंदी सिनेमा के साथ साथ पूरी दुनिया में वो नाम कमाया कि इनके गानों और भजनों के बिना पूजा को माना जाता है अधूरा। अपनी आवाज, लगन और मेहनत के दम पर ये लड़का पहचाना गया नरेंद्र खरबंदा यानी नरेंद्र चंचल के नाम से। आँखों की सारी मस्तियाँ मैं मेरी निचोड़ दे तो कुट पिला। कौन थे नरेंद्र चंचल? क्या था इनका परिवार? कैसे ये सड़क से उठकर आसमानों की ऊंचाइयों तक पहुंचे? क्या थे इनकी जिंदगी के गंभीर विवाद जिनकी वजह से ये रहे चर्चाओं में? आपको ये सब कुछ मैं बताऊं, उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इनके जन्म, पढ़ाई लिखाई और शुरुआती जीवन के बारे में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवल के इस एपिसोड में। जिस पलड़े में तुले मोहब्बत उसमें चांदी नहीं तोलना। नरेंद्र चंचल का जन्म 16 अक्टूबर सन 1940 को अमृतसर के नमक मंडी में एक धार्मिक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम था चेतराम खरबंदा और इनकी माताजी का नाम कैलाशवती था। नरेंद्र चंचल के 7 भाई और 1 बहन थी। इनके पिता एक व्यापारी थे, लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान अमृतसर में जब कौमी दंगे भड़के तो उस समय इनका सारा व्यापार उजड़ गया, बर्बाद हो गया, और आगे चलकर इस परिवार की आर्थिक स्थिति कभी फिर दोबारा मजबूत न हो सकी। नरेंद्र चंचल की माँ कैलाशवती माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। माता में उनकी श्रद्धा अटूट थी। वो भोर काल में हमेशा माता के मंदिर जाती थी और अपनी 8 संतानों में से सिर्फ नरेंद्र को ही अपने साथ मंदिर लेकर जाती थी। हालांकि नरेंद्र काफी छोटे थे,
इसलिए उनकी माँ उनको शुरुआत में जोर जबरदस्ती के साथ रोते रुलाते हुए मंदिर लेकर जाती। सात भाई बहनों में माँ जब मंदिर जाती थी सिर्फ मुझे ही उठा के लेके जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद नरेंद्र को भी मंदिर जाना अच्छा लगने लगा। वो अपनी माँ के मुँह से माता रानी के भजन सुनते थे, लिहाजा उनको देखकर नरेंद्र ने भी अब मंदिर में भजन गाने शुरू कर दिए बाल अवस्था में ही। नरेंद्र की आवाज मंदिर में आने जाने वाले भक्तों और लोगों को काफी आकर्षित करने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र को लोग अपने घर पूजा पाठ में गीत और भजन गाने के लिए बुलाने लगे और बदले में उस वक्त नरेंद्र को इनाम के रूप में कुछ रुपए मिल जाते। धीरे धीरे नरेंद्र की रुचि संगीत की तरफ और ज्यादा बढ़ती चली गई और ये अपने स्कूल की पढ़ाई से दूर होते चले गए। नरेंद्र का पढ़ाई की तरफ रुझान शुरुआती समय से ही कम रहा है। नरेंद्र घर में स्कूल में सबसे शरारती बच्चे थे। चंचलता इनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। पूरे स्कूल में अपनी चंचलता के कारण इनको सभी चंचल कहकर पुकारने लगे और आगे चल करके नरेंद्र ने भी अपने नाम से खरबंदा शब्द को हटाया और लगा दिया चंचल, और इस तरह से ये बन गए नरेंद्र चंचल। नरेंद्र चंचल जब 12वीं क्लास में थे, इनके सामने एक दिन वो समय आया जिस वक्त इनको पढ़ाई और संगीत में से किसी एक को चुनना था। दरअसल नरेंद्र ने उस वक्त एक संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था जिसके लिए उनको चंडीगढ़ जाना था, लेकिन उसी दिन इनके बोर्ड एग्जाम का पेपर भी था, तो ऐसे में नरेंद्र ये तय नहीं कर पाए कि उनको पढ़ाई करनी चाहिए या संगीत की तरफ जाना चाहिए। नरेंद्र ने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़कर ट्रेन पकड़कर चंडीगढ़ के लिए वो रवाना हो गए। इसके बाद नरेंद्र चंचल की जिंदगी में खुशी के साथ साथ वो दुख भी आया जिसकी उनको कभी उम्मीद नहीं थी। दरअसल नरेंद्र जहाँ बोर्ड परीक्षाओं में फेल हो गए, लेकिन उन्होंने चंडीगढ़ का संगीत कॉम्पिटिशन जीत लिया। जीत की खुशी और जीती हुई ट्रॉफी के साथ नरेंद्र अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर नरेंद्र के साथ उनके पिता ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया, उनको मारा पीटा, उनसे अपने सारे संबंध खत्म कर लिए और उसी वक्त धक्के मार कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। पति के दबाव में लाचार नरेंद्र की माँ आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। घर से बाहर निकलने के बाद दुखी और भूखे प्यासे नरेंद्र चंचल ने पेट पालने के लिए पास ही के एक ड्राई क्लीनर की दुकान पर काम कर लिया, और साथ ही साथ नरेंद्र को संगीत का ज्ञान था, इसीलिए अब नरेंद्र ने जागरण, पूजा पाठ, भजन और शादी विवाह में गीत भी गाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे नरेंद्र की लोकप्रियता अब अमृतसर से बाहर भी बढ़ने लगी और लोग उनको दूर दूर से अपने यहाँ जगराते कीर्तनों में बुलाने लगे। बिन मांगे सब पाया छीनवा लिए। इसी सब के चलते नरेंद्र चंचल ने एक संगीत के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया। ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर संगीत का प्रदर्शन करता था और यहाँ नरेंद्र को एक शो के 65 रुपए मिला करते थे। अब नरेंद्र अपने ग्रुप के साथ जगह जगह संगीत के कार्यक्रम करने लगे, लेकिन नरेंद्र चंचल को क्या पता था कि अब उनकी जिंदगी पलटने वाली है। हुआ यूं कि नरेंद्र चंचल को एक कार्यक्रम के लिए मुंबई बुलाया गया, जहां अतिथि के रूप में भारतीय हिंदी सिनेमा के टॉप एक्टर और फिल्म निर्माता राज कपूर विराजमान थे। नरेंद्र के द्वारा गाए गए गीत और उनकी सुरताल राज कपूर को बेहद प्रभावित कर गई, और इसी बीच राज कपूर ने नरेंद्र चंचल को मिलने के लिए बुलाया और उनकी संगीत की तारीफ करते हुए उनको अपने स्टूडियो यानी आर के स्टूडियो में मिलने के लिए बुलाया। जब अगले दिन नरेंद्र राज कपूर से मिले तो राज कपूर ने उनको अपनी आने वाली फिल्म बॉबी में एक गाना गाने को कहा। नरेंद्र चंचल को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा एक्टर उनसे अपनी फिल्म में गाना गाने को कह रहा है। नरेंद्र के लिए ये सब एक सपने जैसा था, लेकिन सपने भी इसी दुनिया में सच होते हैं, लिहाजा नरेंद्र ने बॉबी फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया। मेरी ना ढोलना मैं नहीं बोलना, ओ नहीं बोलना।
बॉबी फिल्म में नरेंद्र का ये गाया हुआ गाना बड़ा ही सुपरहिट गाना साबित हुआ और नरेंद्र चंचल को उनके पहले इस गाने के लिए पहली बार में ही बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। नरेंद्र के साथ जो कुछ भी हो रहा था उस पर उनको यकीन नहीं हो रहा था। इस गाने की लोकप्रियता ने नरेंद्र चंचल को पूरे बॉलीवुड में प्रसिद्ध कर दिया। इसके बाद नरेंद्र चंचल ने इस बार अमिताभ बच्चन के लिए उनकी फिल्म बेनाम के लिए एक गाना गाया। उसके बाद नरेंद्र चंचल को मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में एक गाना गाने का मौका दिया गया, जिसको नरेंद्र ने बड़ी ही शिद्दत के साथ गाया और नरेंद्र के गाए ये सभी सॉन्ग हिट और सुपर हिट साबित हो रहे थे। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई, तू कहां से आई। इस समय लोकप्रियता, नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ नरेंद्र के पास आ रहा था। संगीत के फिल्म निर्माता नरेंद्र के पास बड़े बड़े गानों के ऑफर्स लेकर आने लगे। जो नरेंद्र अभी तक एक शो के सिर्फ 65 रुपए लिया करते थे, सड़कों पर पैदल चला करते थे, उनके तो अचानक से ही दिन पलट गए। उनके पास आज सब कुछ था, नहीं था तो वो है एक हमसफर। तो ऐसे में नरेंद्र ने नम्रता से शादी कर ली और कुछ समय बाद नरेंद्र अब एक बेटे के पिता भी बन गए। नरेंद्र की किस्मत फिल्म बॉबी की वजह से पलट गई थी, लिहाजा इन्होंने अपने बेटे का नाम बॉबी ही रख दिया। नरेंद्र चंचल एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले गए और इनके ऊपर पैसों की बारिश होने लगी थी और इसी सब के चलते नरेंद्र चंचल को अपनी गायकी पर घमंड होने लगा। सफलता उनसे संभल नहीं रही थी और अपने इसी घमंड में नरेंद्र चंचल ने सोचा कि अब तो मैं हिंदी सिनेमा का बड़ा गायक बन गया हूँ, तो अब मुझे जगरातों कीर्तनों में गाने की क्या जरूरत है। लिहाजा नरेंद्र ने अब माता के भजन और गानों को न गाने का फैसला कर लिया और ये फैसला इनका इनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित होने वाला था, क्योंकि अब इनके साथ वो होने वाला था जिसकी इनको कभी उम्मीद नहीं थी। बिन मांगे सब पाया, एक दिन नरेंद्र एक संगीत कार्यक्रम के लिए आगरा जा रहे थे। रास्ते में माता रानी का मंदिर पड़ा। नरेंद्र अगर जब भी आते इस मंदिर में जरूर जाते अपना माथा टेकने, तो ठीक वैसा ही हुआ। नरेंद्र इस मंदिर में गए माथा टेकने, जहां इनको इनके पुराने जान पहचान के लोग मिल गए। चूंकि नरेंद्र अब बड़े सिंगर बन गए थे तो वहां मौजूद लोगों ने नरेंद्र से माता के भजन गाने के लिए कहा, लेकिन नरेंद्र चंचल जो कि भजन न गाने का फैसला कर चुके थे, तो उन्होंने मंदिर में खड़े होकर झूठ बोल दिया कि अभी मेरा गला खराब है और ये कहकर वहां से चले गए। उसके बाद उनके एक पुराने दोस्त ने उनको फोन किया कि नरेंद्र तुम्हारे आगरा आने की खबर चारों तरफ फैल गई है और मंदिर में माता का जगराता भी होने वाला है, तो तुम क्यों ना यहाँ आकर एक दो माता के भजन गा दो। लेकिन नरेंद्र ने फिर से बहाना बना दिया कि मेरा गला अभी खराब है। नरेंद्र ने माता रानी के लिए दो बार झूठ बोला, लेकिन खुद नरेंद्र को नहीं पता था कि आज की रात उनके ऊपर कितनी भारी है, उनकी जिंदगी ही बदलने वाली है। अगले दिन जब सुबह नरेंद्र सोकर उठे तो उनको अपने गले में दर्द महसूस हुआ। चेक किया गया तो देखा कि नरेंद्र के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, वो बोलने की बहुत कोशिश कर रहे थे। जल्दबाजी में डॉक्टर्स के पास भागे, लेकिन डॉक्टर्स इनका इलाज करने में असमर्थ रहे। नरेंद्र ने अपने गले को देश के बड़े बड़े कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर इनकी आवाज को वापस नहीं ला पा रहा था। इधर उधर भागते भागते 6 महीने गुजर गए, लेकिन नरेंद्र की आवाज वापस ही नहीं आई। नरेंद्र अब गूंगे हो गए थे, उनके ऊपर एकदम से मुसीबत आन पड़ी थी। नरेंद्र को लगने लगा कि अब उनकी आवाज कभी वापस नहीं आएगी। वो बस यही सोचने लगे कि सब कुछ ठीक था तो ये सब अचानक कैसे हो गया। फिर एक दिन उनकी पत्नी नम्रता ने उनसे पास आकर कहा और याद दिलाया कि कैसे आपने माता के दरबार में झूठ बोला, बहाने बनाए। नरेंद्र भूल गए थे
कैसे उन्होंने जिन जगरातों, कीर्तनों, माता के भजनों को गाकर ये मुकाम हासिल किया था, वो उसी माता का अपमान कर चुके थे। फिर उनको महसूस हुआ कि माता कहीं उनसे रूठ तो नहीं गई? क्या माता आपको आपके घमंड की सजा दे रही है, जिसको नरेंद्र भुगत रहे थे? पत्नी के मुंह से इतना सब कुछ सुनकर नरेंद्र चंचल को अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत वो भागे भागे उसी माता के मंदिर में जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने भक्तों और अपने दोस्तों से माता के भजन न गाने के लिए झूठ बोला था। नरेंद्र रोते रोते माता के चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे। वो रोते रोते माता से अपने झूठ की माफी मांग रहे थे। उनको अब अपना झूठ एक पहाड़ के जैसा महसूस हो रहा था। वो माफी मांगते जा रहे थे और बिलख बिलख कर रोते जा रहे थे। पर जब माता ही मुझसे रूठ गई, तो मैं क्यों जीऊं? क्यों जीऊं मैं? ये सब नजारा देखकर वहां के लोग हैरान थे। बताया जाता है नरेंद्र इसी मंदिर में 3 दिन तक लगातार बैठे रहे बिना खाए पिए, लेकिन चौथे दिन उनकी हालत देखकर मंदिर के पुजारी ने उन्हें समझाया। फिर पुजारी के समझाने पर उन्होंने माता का प्रसाद ग्रहण किया। माँ, मैं आपके दर्शनों के लिए तरस रहा हूँ। नरेंद्र चंचल अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जिस आवाज और गले के लिए देश भर के डॉक्टर्स के पास वो भागे, लेकिन कोई इलाज नहीं हो पाया। और आज माता का प्रसाद खाने के लगभग 1 घंटे बाद अचानक नरेंद्र के गले की आवाज वापस आ गई, मानो कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ये चमत्कार देखकर नरेंद्र माता के चरणों में गिर गए। मुझ पर एक कृपा कर दो माँ, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, जय माता दी। इसके बाद माता के चमत्कार से नरेंद्र इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने उसी पल ये फैसला किया कि वो अब हमेशा माता के भजनों को, गीतों को, चौपाइयों को ही गाया करेंगे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुला। माता के गीत उनकी पहली प्राथमिकता होंगे और इसके बाद नरेंद्र चंचल ने बॉलीवुड से हमेशा के लिए मुंह फेर लिया और कभी दोबारा फिल्मों में गाना नहीं गाया। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पाना बाकी है। इसके बाद नरेंद्र चंचल पूरी लगन और श्रद्धा के साथ माता की सेवा करने लगे और नरेंद्र चंचल देश विदेश में माता के भजनों के कारण मशहूर हो गए। ऐसा नहीं था कि इससे पहले जगराते नहीं होते थे, होते थे, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र चंचल इस इंडस्ट्री को खड़ा कर रहे थे, वैसा आज तक कोई नहीं कर पाया। सोच के निकला था तेरे से सब कुछ मांगूंगा। नरेंद्र चंचल से पहले भारतीय हिंदी सिनेमा के मशहूर सिंगर सोनू निगम, मोनाली ठाकुर, नेहा कक्कड़ जैसे बड़े नाम भी शुरुआती दिनों में जगरातों में ही गाया करते थे। दाती के दरबार कंज का खेल दिया, नरेंद्र चंचल के लिए ये बात बड़ी मशहूर है कि ये नरेंद्र हमेशा 29 दिसंबर को हमेशा माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच जाते थे, जहां वो माता के चरणों में माँ के गीत और जागरण किया करते थे और अपना नया साल माँ के भक्तों के बीच मनाया करते थे। लेकिन साल 2020 में कोरोना काल होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि नरेंद्र माता की भक्ति में लीन थे। इसीलिए सबको पता था कि अगर 29 दिसंबर को जगराता या जागरण नहीं होगा तो नरेंद्र को बहुत दुख होगा, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि जागरण न होने की वजह से इतना दुख होगा कि नरेंद्र की तबीयत ही खराब हो जाएगी। नरेंद्र को सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जब हालत नहीं सुधरी तो उनको अपोलो अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, जिसके बाद वो कोमा में भी चले गए और आखिरकार 22 जनवरी 2020 को नरेंद्र चंचल की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई और माता का एक परम भक्त इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। नरेंद्र चंचल के निधन पर भारतीय हिंदी सिनेमा के सभी छोटे बड़े कलाकारों ने शोक व्यक्त किया। नरेंद्र चंचल साहब जो है वो चल बसे हैं, तो उनकी याद में मतलब कहना चाहता हूँ कि बेहद मतलब इतनी रूहानी आवाज थी उनकी। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर माँ वैष्णो का नाम का
जय घोष किया है और ये ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी कोई भरपाई है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने उनकी मौत पर शोक जताया। नरेंद्र को पूरे सम्मान के साथ सभी लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। नरेंद्र चंचल की आखिरी अग्नि की लौ बुझी भी नहीं थी कि एक और बवाल हो गया। दरअसल नरेंद्र चंचल के बेटे बॉबी को न जाने ये शक कहां से हो गया कि डॉक्टर्स ने उनके पिता का ठीक से इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से वो हमारे बीच नहीं है। गुस्से पागल बॉबी ने वहां के डॉक्टर्स के साथ मारपीट की, उनके साथ गंदा सलूक किया। फिर क्या था, वहां के डॉक्टर्स ने बॉबी के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी और पिता की मौत के 2 दिन बाद ही बॉबी को जेल हो गई। ये कैसा बुरा वक्त था कि एक तरफ पिता की मौत और दूसरी तरफ बेटे को जेल। जैसे तैसे पूरे परिवार ने खुद को संभाला। आज भले ही नरेंद्र चंचल हमारे बीच न रहे हों, लेकिन उनके द्वारा गाए गए गीत और भजन हमेशा नरेंद्र चंचल को हम सब के बीच जिंदा रखेंगे। खाली झोली लेके गया था मैया मैं तेरे दर पे। जब जब माता का जागरण होगा, जहां भी होगा, नरेंद्र चंचल के भजन और गीत हमेशा वहां सुने जाएंगे और हमेशा उनको लोग अपने दिलों में माता का परम भक्त के रूप में याद रखेंगे। तेरे बिन रह नहीं सकता मां। तो दोस्तों, ये था आज हमारा शो नरेंद्र चंचल के ऊपर। नरेंद्र चंचल को लेकर आपका क्या कहना है, या आपके पास नरेंद्र चंचल को लेकर कोई किस्सा है तो आप हम सभी के साथ कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कर सकते हैं। और आपको आज तक नरेंद्र चंचल का कौन सा भजन और गीत पसंद है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। बॉलीवुड नॉवल की पूरी टीम और मैं खुद नरेंद्र चंचल को विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ और उनके परिवार की सलामती की दुआ करती हूँ। किन्ना तेरे जागे आज मैं जागया, किन्ना तेरे जागे आज मैं जागया। आपको अगर आज का हमारा ये शो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे इसी तरह अपने शो के जरिए मिलती रहूंगी। आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।